तो आप हैं प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के अधिवक्ता कुमार गौरव साहब, और आप महासंघ का जो लिखमेंट है उसको देते हैं, और प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में रह रहे हैं। आज क्या क्या हुआ इस पर प्रकाश कर। आज की कार्यवाही लगभग 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें विजय अंसारिया जी ने आर्गुमेंट शुरू किया, सीनियर एडवोकेट है। लगभग उन्होंने लंच से तक, उसके लंच के बाद भी 15 मिनट का आर्गुमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स से अपनी बहस रखी है, जो सिब्बल साहब ने की थी उसी को उन्होंने सप्लीमेंट किया। उसके बाद से फिर 2:30 बजे के करीब से सलमान खुर्शीद जी ने अपना बहस रखा। लगभग 15-20 मिनट तक उन्होंने बहस रखी अपनी। उसके बाद से विवादत मकीजा सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने अपनी बहस शुरू की। अपनी जो सीनियर एडवोकेट हैं बी सिंह साहब, उनकी क्या तैयारी है और क्या स्थिति बोलेंगे, कितना समय मोटा मोटा मिलेगा उनको? बी सिंह साहब की तैयारी पूरी है, उन्होंने अपने 10-12 पेज का अपना एक बना लिया है रिटर्न सबमिशन, उस बेस पे आर्गुमेंट करेंगे। और आज पूरे दिन वो कोर्ट में उपस्थित रहे, लेकिन समय के अभाव के कारण अगले मंगलवार को कोर्ट ने बाकी जो भी सीनियर एडवोकेट बचे हुए हैं उनको बाकी अगले मंगलवार को समय दिया है। इसमें से अपने तरफ से भी आधे घंटे की लगभग बहस होगी, और जो हो पूरी तरह से तैयारी हो उसकी। आप परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक पंडित जी, आप आज के बहस पर कुछ चर्चा कीजिए और अगली रणनीति के बारे में बताइए। आज नियोजित शिक्षकों की तरफ से पक्ष रखा गया है, और फिर अगले मंगलवार को जो हमारे सीनियर अधिवक्ता अभी बचे हुए हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, हमारे बी शेखर साहब और हम लोग और हमारे अधिवक्ता कुमार गौरव साहब सभी लोग मिलकर एक मजबूत तैयारी की है। अभी तक के जो बहस है उसको ध्यान में रखते हुए कि समान काम का समान वेतन बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिले, इस संकल्प को लेकर हम दिल्ली बैठे हुए हैं। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की पूर्ण टीम यहां पर हमेशा उपस्थित रही है, तो हमें विश्वास है कि हम अपने बहस के माध्यम से, हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखेंगे, और निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलेगा। यह संकल्प हम लेकर दिल्ली आए हैं, और जब तक यह संकल्प पूरा नहीं होगा हम लोग दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और लड़ाई जब ठन गया है तो कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, इस जीत के भरोसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से भी हम आग्रह करते हैं कि अब अंतिम लड़ाई में मजबूत तैयारी के लिए अपना दृष्टिकोण खुला रखे, कहीं भी किसी तरह की जरूरत हो उसका भरपाई करे। और बिहार के हमारे तमाम साथी सुनील राय जी मोतिहारी से लगातार जमे हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जी हैं, भाई वशिष्ठ जी हैं, विनोद तिवारी जी हैं, अरविंद जी हैं छपरा से, हमारे तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए कहीं से किसी भी शिक्षकों को, शिक्षक साथियों को हम यही बताना चाहते हैं कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बहस चल रहा है, सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, और महासंघ यहाँ पर जब कमर कसे हुए हैं तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, महासंघ जीत दिलाकर ही वापस लौटेगा। जय हिंद, जय नियोजित शिक्षक। आप परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव जी, अपने संगठन के रणनीति के बारे में अगली लड़ाई पर सुझाव दीजिए। देखिए, अभी तक जो हमारा संगठन है परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, हमारे टीम में जितने भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं पूरे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे अधिवक्ता महोदय कुमार गौरव साहब का, और जो वरीय अधिवक्ता रखे हुए हैं बी शेखर साहब का भी मिल रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ जिस दिन से हेयरिंग शुरू हुई है 31 जुलाई 2018 से, और इनके सुझाव के कारण लगातार हम लोग वरीय अधिवक्ता को रख रहे हैं प्रतिदिन, जिसका नतीजा ये है कि हमारी तैयारी, क्योंकि
प्रतिदिन रहने का मतलब होता है कि एक एक बिंदु जो बाकी लोग वहाँ अपना रख रहे हैं उस पर उनकी गहरी निगाह होती है, और उसमें से चूंकि यह हम लोगों का अपना एक कमिटी का निर्णय है और इसमें हमारे गौरव साहब का भी सुझाव है कि प्रतिदिन रखने का मतलब यह है कि जितने भी वरीय अधिवक्ता या जो भी अधिवक्ता बोल रहे हैं वहाँ कोर्ट में, या सरकार के अधिवक्ता या यूनियन ऑफ इंडिया का अधिवक्ता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और हमको क्या बोलना है, उसमें जो चीजें छूट गई हैं, जो संवैधानिक है, हमारे संविधान के अंतर्गत छूटी हुई चीजों को रखना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत कमजोर होते हुए भी 9 जो सुनवाई हुई है लगातार उसमें वरीय अधिवक्ता को हम लोगों ने रखा और इसका आज लाभ मिल रहा है, क्योंकि आज जो कोर्ट में जो घटना घटी है हमने देखा है, चूंकि उसको हम एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज जो परिदृश्य बना है उससे आज हमको लगा कि हम लोग जो आज कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब ने जो सुझाव दिया था और प्रतिदिन उनको बड़ी अध्यक्षता को रखने का, आज हमको लग रहा है कि कोई ना कोई लाभ निश्चित रूप से है और यह लाभ आने वाले मंगलवार को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे बढ़िया अध्यक्षता जी से कथा जो तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट, और हम लोग एक और गुप्त रणनीति है कि आप देखे होंगे बीच में मिडिल और जो है प्रारंभिक और हाई स्कूल का भी मैटर आ गया था, इसलिए हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चूंकि माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग भी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद हमारा नंबर आया था, अति उत्तम है, इस पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अपना जो नीति है हम लोग इसी के आगे मैंने बढ़ रहे हैं और हमारा लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, सही डिसीजन पर हैं और हमको लगता है इसका लाभ मिलने वाला है, लाभ मिलेगा भी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षक। आप परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील राय जी, आपको क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी के नाम से भी इस संगठन में जाना जाता है, आप अपनी विचारों को रखें कि आगे आपकी क्या रणनीति है। हम अपने बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव जी को बता देना चाहता हूं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई रहेगी मोतिहारी जिला आपको सहयोग करने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ। आप संतोष कुमार जी जिला अध्यक्ष गोपालगंज, आप अपने विचारों को रखिए कि आगे आपकी रणनीति क्या होगी संगठन के प्रति। संगठन के प्रति हमारी रणनीति यही है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर और पूरी ईमानदारी से सब एक दूसरे का सहयोग करें और इस लड़ाई को जीत कर ही वापस अपने बिहार जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मोबाइल को विराम देता हूं। आप मैं अरविंद कुमार, संयोजक सारक मंडल। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि महासंघ जो लड़ाई लेकर चला है उस लड़ाई में पूर्ण रूप से हमारा विजय होगा और ईमानदारी से पूरी पूरे जिला और पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी गण जो है लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी, यह मेरा दावा है और इसी विश्वास के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।